देखिए, एक होता है सेल्फ टॉकिंग. समहाउ सेल्फ टॉकिंग इज द पार्ट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिसिंग. यस स्टूडेंट्स, आपकी सेल्फ टॉकिंग जो है ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिसिंग का पार्ट है. जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें अपने आप से बात करें. आप अपने आप से प्रश्न पूछें. आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड आंसर योरसेल्फ. इफ आई आस्क यू व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाट वुड बी योर आंसर? आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई एम पुअर इन इंग्लिश. आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश. आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज इंग्लिश. एनी रीजन दैट यू वॉन्ट टू गिव, कोई भी कारण, कोई भी रीजन जो आप देना चाहते हो, यू सिंपली हैव टू स्पीक इट. मैंने कहा व्हाई आर यू गोइंग देयर, अब वहां क्यों जा रहे हो? आंसर इट. आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क. मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है. फिर मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए एक प्रश्न पूछा कि आप उसकी मदद क्यों करते हो, व्हाई डू यू हेल्प हिम? आप उसकी मदद क्यों करते हो बताइए, तो आपको रीजन देना. आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम. इफ आई डोंट हेल्प हिम, हु इज गोइंग टू हेल्प हिम? अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई उसकी मदद? सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम, दैट्स वाई आई हेल्प हिम. इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ. मैंने कहा व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? आपने कहा आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश एंड आई हैव टू डू जॉब, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. सो वैन यू एक्चुअली वर्क ऑन सेल्फ प्रैक्टिस ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप से बात करनी है. आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड आंसर योर सेल्फ. ठीक है, चलिए मैं आपसे और प्रश्न पूछता हूँ, आंसर भी करना है, मेरे साथ बोलना, एक एक स्टूडेंट को अपना बेस्ट देना है ना. चलिए, मैंने कहा कल आप कहाँ थे? कम ऑन आंसर दो. वेयर वर यू yesterday? एक बार बोलकर देखो सारे के सारे स्टूडेंट, कल आप कहां थे? Where were you yesterday? अब आपको आंसर देना है. कल मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी था. क्या कहोगे? I was busy with my family yesterday. In English you would say I was busy with my family yesterday. If you were doing any work, you can say I was busy with my family yesterday. I was doing some work yesterday. I went to attend a marriage yesterday. You know, जहां कहीं भी आप कल गए थे, you simply have to mention कि कल आप कहां थे. Where were you yesterday? है ना? ऐसे मैंने आपसे पूछा, What are you doing now? अभी आप क्या कर रहे हो? चलो आंसर दो. What are you doing now? Now I'm learning English. Now I'm improving myself. Now I'm using Facebook. Now I'm using Instagram. Now I'm talking with my friends. Now I'm making plans to do something innovative. Whatever you are doing right now, just try to express yourself. Because language ka ek hi funda hai boss. Bahut sare student poochte hain, sir, I can understand everything. If somebody is talking, if somebody is speaking anything, I can understand what he's talking about. But when it comes to speak practically, sir, I don't know how to initiate. So that's the reason that why you are unable to speak, because you don't try to speak. And here the self-practicing, you know, is the best way where you can talk with yourself. And by talking with yourself, you can practice a lot. You can somehow improve your speaking skills. And that is very important. That's why I insist you all ki apne aap se poochho sawal. Chalo, main aap se aur question karta hoon. Pura attentive ho jao. Sare ke sare student. Aap wahan kyun ja rahe ho? Why are you going there? Main wahan ja raha hoon kyunki mujhe kuch kaam hai. I am going there because I have some work. Main wahan ja raha hoon kyunki mujhe usse milna hai. I am going there because I have to meet him. मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है. आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव टू स्टडी. आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव टू स्टडी. आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो बताइए? आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू स्टडी? ठीक है, आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू स्टडी? क्या होगा आंसर बोलो? मैं पढ़ाई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का शौक है. क्या कहोगे? मैं पढ़ाई करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू स्टडी Because मुझे पढ़ाई करने का शौक है. Because I like to study. क्योंकि मुझे पढ़ाई करने का शौक है. I like to study. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा. I would like to speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा. I would like to speak English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा. I would like to teach English. मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है. I have to teach English. मुझे यहां आना पड़ता है. I have to come here. मैं अभी बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो. क्या कहोगे? मैं अभी बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो. डोंट डिस्टर्ब मी. मैं अभी बिजी हूं. आई एम बिजी नाउ. आई एम बिजी नाउ. ठीक है,
मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर. अब वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, अब वहाँ कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो देयर, आर यू रेडी टू गो देयर, क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूँ, यस आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, यस आई एम रेडी टू टीच इंग्लिश, मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन तुम मुझे जानते हो, क्या बोलोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन तुम मुझे जानते हो, आई डोंट नो यू बट यू नो मी, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आप इस काम को क्यों कर रहे हो, आप इस काम को क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, एक बार फिर से बोलो, आप इस काम को क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आंसर क्या आएगा, मैं इस काम को कर रहा हूं क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, आई एम डूइंग दिस वर्क बिकॉज मुझे काम करना पसंद है, आई लाइक टू डू दिस वर्क, एक बार बोलकर देखो सभी, बिकॉज आई लाइक टू डू दिस वर्क, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा इस काम में, आई विल नॉट हेल्प यू इन दिस वर्क, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट, मुझे पता है तुम लेट हो रहे हो, आई नो यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, तुम्हें समय पर वहां जाना चाहिए, क्या कहेंगे, यू शुड नॉट बी लेट, यू शुड गो देयर ऑन टाइम, फिर से बोलो, यू शुड गो देयर ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब क्या होता है, समय पर, ठीक है, तो तुम्हें वहां समय पर जाना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, यू शुड गो देयर ऑन टाइम, यू शुड नॉट गेट लेट, ठीक है, मैं वहां समय पर नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर ऑन टाइम, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, मैं चाहता हूं कि आप बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने और मेरे बोलने के बाद आप बोले, आई वॉन्ट यू टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड स्पीक आफ्टर मी, एंड स्पीक आफ्टर मी, ठीक है, मैं आपके बाद बोलने की कोशिश करूंगा, ऑल राइट आई विल स्पीक आफ्टर यू, अगर मैं नहीं बोल पाया तो वॉट इफ आई कुडंट स्पीक, वॉट इफ आई कुडंट स्पीक, आप नहीं बोल पाए दैट्स ओके, यू कुडंट स्पीक दैट्स ओके, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, बट यू शुड ट्राई, आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक, आपको वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू गो देयर, आपको ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू डू दिस वर्क, मैं वहां नहीं जाना चाहता, बोलो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, गो देयर, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई हैव नो टाइम, बट आई हैव नो टाइम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, फिर से बोलो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं, क्या कहोगे, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, बोलो, वेयर, सॉरी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, मैं इंग्लिश सीखने के लिए परसोना इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, क्या कहोगे, आई एम गोइंग, अब जहां जा रहे हो उसके लिए प्लेस के लिए टू का उपयोग होता है, टू प्रीपोजिशन लगता है, याद रखना, आई एम गोइंग टू परसोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश, एक बार बोलने की कोशिश करो, मैं परसोना इंस्टीट्यूट जा रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम गोइंग टू परसोना इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग इंग्लिश, सर मेरा एक डाउट है, अब जब आपके एक डाउट है, मतलब आपके पास एक डाउट है, सर आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं आस्क यू, मैं आई आस्क यू, हां बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, यस यू कैन,
सर मेरा डाउट ये है कि आई एम गोइंग पर्सोना इंस्टीट्यूट होगा या आई एम गोइंग टू पर्सोना इंस्टीट्यूट होगा? सर माई डाउट इज दैट आई एम गोइंग पर्सोना इंस्टीट्यूट और आई एम गोइंग टू पर्सोना इंस्टीट्यूट, विच वन इज राइट? कौन सा वाला सही? सी व्हेन यू से आई एम गोइंग पर्सोना इंस्टीट्यूट, सो एक्चुअली यू आर गोइंग टू अ प्लेस एंड दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू यूज टू विथ गो, राइट? बट एक एक्सेप्शन इसके साथ होता है कि जब आप कहते हो मैं घर जाता हूं तो आई गो होम, लेकिन मैं कोचिंग जा रहा हूं या कोचिंग जाता हूं आई गो टू कोचिंग। गो होम होता है लेकिन गो टू कोचिंग होता है, गो टू स्कूल होता है, गो टू यूनिवर्सिटी होता है, गो टू मार्केट होता है, बट गो होम होता है। दिस इज द एक्सेप्शन दैट यू नीड टू माइंड, ठीक है? तो सर गो का उपयोग होम के साथ ही करना है? जी हां, गो होम करना है, गो टू होम नहीं करना है, ठीक है ना? ये नियम है, ये रूल है जो हमको याद रखना है। बाकी सारी चीजें गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू टेंपल, गो टू चर्च, गो टू व्हाटएवर। ओके, मुझे जानना है कि अभी आप क्या कर रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, जब कोई चीज आपको जाननी, मतलब आप जानना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू नो वट यू आर डूइंग नाउ, वट यू आर डूइंग नाउ। वट के बाद आर नहीं आएगा, वट यू आएगा, वट यू आर डूइंग नाउ। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो वट यू आर डूइंग नाउ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मैंने कहा तुम रोज कितने बजे उठते हो, बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? एट वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जल्दी उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर गोइंग मॉर्निंग वॉक? जी हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए। येस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर गोइंग मॉर्निंग वॉक। क्या आपको सुबह एक्सरसाइज करना पसंद है? डू यू लाइक टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? हाँ मुझे पसंद है, येस आई लाइक टू डू। क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? हाँ मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, येस आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? हाँ मुझे पसंद है, येस आई डू। नो आई डोंट, येस आई डू। नो आई डोंट, येस आई डू। नो आई डोंट। क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? येस आई डू। नो आई डोंट। क्या आपको सेंटेंसेस बनाना पसंद है? येस आई डू। नो आई डोंट। क्या आपको वहां जाना पसंद है? येस आई डू। नो आई डोंट, है ना? तो इस तरीके से आपको वर्क करता है। क्या आपको इंग्लिश सीखना पसंद है? येस आई डू। नो आई डोंट। शॉर्टकट में आंसर देते हैं, येस आई डू अगर है तो, नहीं है तो नो आई डोंट। नो आई डोंट। क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? येस आई डू। नो आई डोंट। क्या आपको वहां जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो देयर? येस आई लाइक टू गो देयर। नो आई डोंट लाइक टू गो देयर। तो ये इस तरीके से आपका बनता है, और मैं चाहूंगा कि आप एक एक चीज को समझ के चलें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ओके, कल रात को क्या हुआ? मैं टीवी देखते देखते सो गया, है ना? कल रात को क्या हुआ? लास्ट नाइट व्हाट हैपेंड? आई फेल अस्लीप व्हाइल वॉचिंग टीवी। ये आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे यूज करते हैं इसको। आई फेल अस्लीप मतलब लास्ट नाइट क्या हुआ भाई? मैं आई फेल अस्लीप मतलब मैं सो ही गया, मुझे नींद ही लग गई व्हाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते देखते। आई डोंट नो व्हेन आई स्लैप बट आई फेल स्लीप व्हाइल वॉचिंग टीवी। सो व्हाइल वॉचिंग टीवी मतलब टीवी देखते वक्त, कोई काम करते वक्त कुछ हो गया, उसके लिए व्हाइल लगता है। याद रखिएगा व्हाइल के बहुत सारे मीनिंग हैं। व्हाइल का एक मतलब होता है जबकि, है ना? एक व्हाइल प्रपोजिशन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, के वक्त, के दौरान के सेंस में, है ना? खाना खाते वक्त व्हाइल ईटिंग फूड, इंग्लिश बोलते वक्त व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वहां जाते वक्त व्हाइल गोइंग देयर। और ये जबकि के सेंस में कैसे यूज होते हैं? जैसे मैंने कहा जबकि का मीनिंग भी देता है और ये जब का मतलब भी देता है। इसको थोड़ा समझना आप, है ना? ही डिडंट गो देयर, वो वहां नहीं गया। व्हाइल हिज ब्रदर वेंट, व्हाइल हिज ब्रदर वेंट, जबकि उसका भाई गया। दिस इज द मीनिंग, ही डिडंट गो देयर व्हाइल ही व्हाइल हिज ब्रदर वेंट, जबकि उसका भाई गया। दूसरा, शी वॉज वॉचिंग टीवी
while his brother was studying. यहां पर while का मतलब जब निकल रहा है, यहां पर जबकि निकल रहा है, यहां जब निकल रहा है, दोनों सेंटेंसेस में आप देखो कि कैसे किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि जब का मतलब दे रहा है कि जबकि का दे रहा है, तो इसकी ट्रिक बताता हूं। वाइल का उपयोग जब भी होगा ना तो याद रखना उसके बाद जब का मतलब तभी निकलेगा जब वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्पेशली, है ना। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी, तो हम लगाते नहीं है जनरली। तो वाइल का उपयोग जब के सेंस में तभी निकालना है आपको जब वो उसके बाद कोई कॉन्टिन्यूस टेंस आया, और अगर किसी सिंपल टेंस के आगे वाइल लगा हुआ है तो जब का मतलब नहीं देता, वो जबकि का मतलब देता है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने, वाइल एंड ये वाला वाइल, ये दोनों भी आपके कंजंक्शन है, ये हमारे सिलेबस में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड करनी है।